हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जोहार सबको। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और नया साल का हैप्पी न्यू ईयर 2023 फ्रेंड। और अभी हम लोग आए हैं बिरसा चिड़ियाघर, जो रांची का और मांझी प्रखंड में पड़ता है। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी नया साल का इतना ही ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएँ। तो आप लोग को मैं चारों तरफ से दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में कितना भीड़ है आज। और आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड। और नए होंगे मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को कंटिन्यू बने रहिए मेरे वीडियो में। आप लोग को मैं हर चीज़ दिखाती हूँ एक एक अंदर जाने के बाद। तो अभी देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड। और इधर हम लोग सब खड़े हैं, अभी टिकट लेने गए हैं मेरे हस्बैंड। और अभी देख सकते हैं फ्रेंड इतना ही ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं चिड़ियाघर के, वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं और बार बार अलाउंस किया जा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड अंदर की ओर। और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी देख सकते हैं हम लोग अंदर आ गए हैं फुल फैमिली, और बच्चे सब इतना ज़्यादा खुश है कि क्या बताएँ, है ना। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ एक एक जानवर यहाँ का चिड़ियाघर का, तो बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। और देख सकते हैं फ्रेंड चिड़ियाघर में कितना ज़्यादा सब भीड़ है। और उधर चिड़िया सब देख रहे हैं। आप लोगों को मैं इधर भी दिखा रही हूँ और सामने से दिखाऊंगी। और इधर देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही पूरा भीड़ है आज। तो चिड़ियाघर का सबसे पहला जानवर से मिला रही हूँ फ्रेंड। तो ये है ये मुर, और देख सकते हैं कितना बड़ा है और एकदम पूरा टहल ही रहा है, इधर से उधर हो रहा है फ्रेंड। तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। हम लोग तभी पास से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं कितना नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। और अभी इधर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। तो अभी हम लोग को तो बहुत बड़ा ही है चिड़ियाघर, तो घूमते घूमते आप लोग को सोच रही दिखाते जाती हूँ मैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग भीड़ देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। इसीलिए मैं ओवरवाइज दे रही हूँ, कहे कि मेरा आवाज़ दब जा रहा था। और ये है सूत्रमुर, ये भी बहुत बड़ा दिखता है फ्रेंड। और अभी तो बैठा हुआ है देख सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड अभी तो ये बैठा हुआ है। तो और एक जो है इसका साथी, तो उधर से वो आ रहा है। तो आप लोग को दिखाती हूँ कि जब ये खड़ा हो जाता है तो कैसा दिखता है। और अभी देखिए उधर से वो आ रहा है। तो इसका दो ही पैर होता है फ्रेंड सूत्रमुर का, और इसका गर्दन देखिए कितना लंबा है, और बस खाली बॉडी थोड़ा सा इसका भरा हुआ है। और कितना भयानक दिख रहा है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं क्योंकि इसको हमेशा किताब या बुक में पढ़े हैं और देखे हैं, और अभी रियल देख रहे हैं चलते भूलते बोल के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं बच्चे सब। और नज़दीक से भी एकदम आवाज़ भी निकाल रहा था, मगर इतना ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा था तो हमको म्यूट करना पड़ा। और इधर देखिए भीड़ जा ही रहे हैं अभी। और इधर हम लोग खड़े हैं और सब कोई बोल रहे हैं कि चलो साथ में फ़ोटो खिंचा लेते हैं, काहे कि फ़ोटो ही एक ऐसा मोमेंट होता है कि देख के यादगार बना रहता है कि हाँ हम लोग वहाँ गए थे घूमने। तभी सबको हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं इधर, तो देखिए फ्रेंड ये है टाइगर, और टाइगर अभी इधर उधर टहल रहा है। और इतना भयानक दिख रहा था कि क्या बताएं, थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं जंप करके इधर आए ना, मगर जंप नहीं कर सकता है क्योंकि बीच में थोड़ा सा गड्ढा, यानी कि क्या बोले, थोड़ा ज़्यादा ही सा गड्ढा किया हुआ है ताकि वो जंप भी करेगा तो नीचे ही गिर जाएगा बोल के। और देखने में इतना मज़ा आ रहा था, जितना मज़ा आ रहा था उतना डर भी लग रहा था क्योंकि चिड़ियाघर में हर तरह का जानवर है यहाँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए फ्रेंड, तो आप लोग को हर तरह का जानवर मैं दिखाती हूँ, है ना। Oh, oh, oh.
और भीड़ तो देख ही पा रहे हैं फ्रेंड आप लोग वीडियो में, तो देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और नया साल में अभी पूरा जनवरी रहता ही है भीड़, यानी कि हमेशा ही रहता है 12 महीना ही, मगर सबसे ज़्यादा भी नया साल है ना, तो नया साल में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। और हम लोग का तो घर कहीं पास है, तो हम लोग का तो जब मन करता है तभी आते हैं, मगर जल्दी जल्दी जाने का भी मन नहीं करता, बच्चा लोग जब जिद करते हैं तभी जाती हूँ मैं। और आप लोग को दिखा रही हूँ क्या कि इतना अच्छा नज़ारा ही है ना, बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं उधर, जंगली बिल्ली है ना, तो जंगली बिल्ली देखने जा रहे हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड, जंगली बिल्ली है ये, और इतना उछल कूद कर रही है। और बाकी बस सब कोई अपना अपना उधर जो बिल्ली का रूम बनाया हुआ है सब उधर ही छिपी हुई है, बस एक यही है कि इधर उधर घूम रही है। तो अभी हम लोग जंगली बिल्ली देख के निकल गए हैं, और भीड़ देख के तो क्या बताएं आप लोग को। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, ये शेरनी सोई हुई थी, मगर सबको ये चिल्लाए तो उठ गई है, तो उठ गई तो डर भी लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा ही दहाड़ रही थी कि क्या बताएं, और इतना भयानक दिख रही थी ना। तो अभी तो फिर सो रही है शेरनी। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, इधर बीच बीच में छोटा छोटा सा गार्डन बनाया गया है, और अभी ठंडी का समय है फ्रेंड, तो अभी देख सकते हैं फूल सब कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज़ में खिला हुआ है, गुलाब का फूल, और इतना सुंदर दिख रहा है ना कि क्या बताएं, लग रहा था कि मतलब यहीं रह जाए ऐसे। और देख सकते हैं आप लोग, और इधर हाथी बनाया हुआ है, उसका बच्चा भी है, और घास का बनाया हुआ है फ्रेंड, तो ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग सब सोचे कि चलो थोड़ा थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेते हैं, और भीड़ तो इतना ही ज़्यादा है ना कि मोबाइल में आ ही नहीं रहा था, फिर थोड़ा सा खाली हुआ तो हम लोग फ़ोटो क्लिक लेने लगे, और सोचे कि चलो बहुत अच्छा मोमेंट है। और देख सकते हैं आप लोग, और इधर मैं यही बता रही थी मगर मेरा आवाज़ नहीं आ रहा था फ्रेंड, यानी कितना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था भीड़ में, तो मैं ओवर वॉइस दे रही हूँ। और इतना सुंदर दिख रहा है फूल पत्ती सब भी कि क्या बताएं, है ना। तो आप लोग भी दिखिए और इन्जॉय कीजिए फ्रेंड। और इधर हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट तरफ, क्योंकि हम लोग को भूख लग रहा था, इतना बड़ा एरिया ही में है ना ये चिड़ियाघर की, घूम घूम के थक गए थे, तो बोले कि चलो कुछ कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा बैठ लेते हैं, और देख लीजिए फ्रेंड आप लोग भी कि रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, और यहाँ खाने के लिए हर चीज़ मिलता है, आपको जो पसंद है वही मिलेगा, यानी कि लेना पड़ता है, देता नहीं है इसे फ्री में। और मेरे हस्बैंड जी गए हैं लेने, यानी मेरे पति देव, और इधर हम लोग बैठे हुए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। तो इधर हम लोग चलते चलते थक गए थे फ्रेंड, तो पानी भी प्यास लग रहा था, काहे कि चिड़ियाघर बहुत ही बड़ा है। तो अभी अगर आप लोग कभी आए तो पानी उनी पकड़ के ही आइएगा, काहे कि साथ में बच्चे लोग रहते हैं या बड़े लोग भी, तो प्यास तो लगता ही है। और इधर देखिए भालू लोग, और इधर भालू सबका छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो उसी में कितना मस्ती कर रहा है, और देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। और देखिए पानी के अंदर में मस्ती हो रहा है भालू का, और काला भालू है, और बहुत ही बड़ा बड़ा दिख रहा है फ्रेंड, वीडियो में भले आपको आप लोग को छोटा छोटा दिखता होगा मगर सामने से बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा था। और ये है, और शाही सब है फ्रेंड ये, और शाही को देख सकते हैं कितना ज़्यादा संख्या में है। और ये लोग को जब अपना
खतरा एहसास होता है तो ये सब अपना पंख, कांटेदार पंख को फैला लेता है फ्रेंड, और उसी से अपने आप को बचाव करते हैं। और बहुत नोखीना और क्या बोले, एक तरह से ये लोग का हथियार है, ये लोग का पंख ही, और इतना सुंदर दिख रहे थे कि क्या बताएं। और बहुत ज़्यादा ही संख्या में है ये लोग, तो हम लोग तो बच्चे से बोल रहे थे कि कहीं, जब पंख फैला रहे थे ये सब, तो बच्चे बोल रहे थे कहीं ये हम लोग के ऊपर तो अटैक नहीं करेंगे, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है। और देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा बच्चा सब भी है, और ये एक तरह से बच्चा ही है जो अभी पंख को फैला फैला घूम रहा है। तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था फ्रेंड, और इधर बच्चे सब बहुत मस्ती कर रहे थे, पूछ रहे कैसा लग रहा तुम लोग को, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये लोग घूम घूम के मस्ती भी करते जा रहे थे ये सब। और इधर मेरी बेटी है अलका, और अब हम लोग चलते हैं हाथी की ओर। और ये हाथी का बच्चा है फ्रेंड, और आवाज़ देते रहती है, और देखने के लिए तो इतना ही ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं। तो देखिए इधर हाथी भी, रियल हाथी भी दिखा रही हूँ, उधर तो अभी घास का हाथी दिखाई थी जो बनाया गया था हाथ से, और ये रियल हाथी है, तो सामने से दिखा रही हूँ आप लोग को। और जब जो हाथी के ऊपर में बैठा है वो आदमी बोलता है कि आशीर्वाद दे दो, तो अपना सूंड को ऊपर उठा लेता है, यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं बोल के। तो बहुत अच्छा ही लग रहा था चिड़ियाघर में। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड ये कौन सा जानवर है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा जानवर है। और बहुत ज़्यादा ही संख्या में है, और इतना सुंदर ही दिख रहा था ना कि क्या बताएं। तो कुदरत भी कोई भी चीज़ बनाता है तो बहुत फुर्सत से ही बनाता है, इसीलिए जो चीज़ जिस तरह से बनाता है सब अच्छा ही दिखता है। और देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा संख्या में है ये लोग, और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, और वीडियो मेरा कैसा लगता है फ्रेंड, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा जानवर का क्या नाम है ये भी बताइएगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा। और आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो बने रहिए वीडियो में फ्रेंड लास्ट तक। और कितना डरावना दिख रहा है, और ये इतना भयानक दिख रहा है ना कि क्या बताएं। आप लोग तो देख ही सकते हैं, और एक नहीं है, चार पांच है, तो कुछ कुछ तो अभी पानी में ही है। और इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि मतलब मोबाइल से फ़ोटो भी नहीं ले पा रहे ना, वीडियो ले पा रहे थे। और देखिए ना पानी से भी निकला है, जिधर जिधर चल रहे हैं वो लोग उधर उधर पूरा गीला होते जा रहा है। तो हम लोग को तो फुल मज़ा आ रहा है फ्रेंड, और इन्जॉय बहुत किए हम लोग। तो आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड वीडियो मैं है करती ना। हूँ यहीं बंद, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो फिर मिलती हूँ मैं अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। और अभी हम लोग चिड़ियाघर से निकल गए हैं फ्रेंड, बाय बाय।